हेलो एवरीवन, दिस इज़ फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई विल ट्राई टू शेयर द एक्सपीरियंसेस एंड ऑल द थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट सो फार। सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ अंकित एंड आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट IIT बॉम्बे। सो IIT बॉम्बे सोच के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एस्पिरेंट था तो ये स्टॉक मार्केट में कैसे आया, इसने कब स्टार्ट करा। तो मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी। मैं 9th, 10th, 11th, 12th फिजी में था, तो 4 साल से JEE की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो प्रिपरेशन करते करते बहुत मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी कि जल्दी से पेपर ख़त्म होगा, उसके बाद मज़े करेंगे, कॉलेज जाएंगे, मजा आएगी। तो जनवरी में JEE मेंस होता है, पोस्टपोन्ड हो जाता है। तो उसके बाद ठीक है, एक महीने पोस्टपोन्ड हो गया, मार्च में हो गया, फिर मार्च में फिर दोबारा पोस्टपोन्ड हो जाता है आगे। तो मार्च में दोबारा पोस्टपोन्ड होता है, तब थोड़ा मैं यूट्यूब ज़्यादा चलाने लगता हूँ और थोड़ा सोचता हूँ कि क्यों ना कुछ नई स्किल्स भी सीखें। पेपर तो पोस्टपोन्ड होता जा रहा है, जब पेपर आएगा पास तब पढ़ेंगे। तो मैंने बहुत नई नई स्किल्स के बारे में डिस्कवर करा। तो मेरे को एक अमन अग्रवाल का वीडियो मिलता है, हाउ यू कैन बिकम फाइनेंशियली स्टेबल टिल एज ऑफ 22। सो उसमें वो स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्क्राइब करता है, तो वो वीडियो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो वहाँ पर मैंने देखा उस वीडियो को और मेरे को पता लगा कि अच्छा, ऐसी भी चीज़ होती है कि अपने पैसे लगा के वी कैन अर्न रिटर्न ऑन आर मनी ओनली। तो मैंने उसके बारे में काफ़ी पढ़ा, फिर मैंने काफ़ी वीडियोस देखे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, काफ़ी इन्वेस्टर्स की बुक्स पढ़ी, जैसे रिच डैड पुअर डैड, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ज़ीरोधा वारसिटी ऐप भी मैंने पढ़ा काफ़ी, उसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स रहती हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई जर्नी। और जैसे कि उस टाइम पे मैं 18 इयर्स का नहीं हुआ था, तो मेरा डीमैट अकाउंट नहीं था, तो मैं अपने भाई से सबसे पहले कहता हूँ कि मेरा अकाउंट बना दो, मैं 500 रुपये देता हूँ, क्यों ना हम लोग म्यूचुअल फंड में लगाएं। वहाँ से मैंने स्टार्ट करा 500 से। उसके बाद धीरे धीरे देखा कि अच्छी चीज़ें हैं, फिर मैंने और पढ़ा, फिर देखा कि कंपनी की एनालिसिस करके हम कब किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर वहाँ से धीरे धीरे मैंने सबसे पहले रिलायंस का स्टॉक खरीदा, आगे और बढ़ते गए, फिर और रुपये इन्वेस्ट करे और कंपनीज के बारे में पढ़ा। तो ऐसे ऐसे करते हुए मैंने काफ़ी स्टॉक्स के बारे में पढ़ा, काफ़ी स्टॉक्स के बिजनेस मॉडल मेरे को पता लगा, काफ़ी इंडिकेटर्स पता लगे। तो मेरे को 2-3 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला, जितना भी मैंने इन्वेस्ट करा था उस पर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि मेरे को लॉसेज नहीं हुए, मेरे को एक बहुत बड़ा लॉस भी हुआ था। जैसे कि एक न्यूज़ निकल कर आती है कि रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल को ख़रीद लिया है, तो वो उस दिन शेयर प्राइस 20% बढ़ जाता है, लेकिन अगले दिन मैं भी मतलब न्यूज़ को देख के एक दिन में 20% बढ़ गया। तो मैं सोचता हूँ मैं भी लगाता हूँ, कल भी ऐसा ही होगा। तो मैंने भी इन्वेस्ट करा और वो 5 दिन लोअर सर्किट लगता हुआ, तो मेरे को काफ़ी लॉस हुआ उसमें। तो मेरे को पता लगा कि ठीक है, स्टॉक मार्केट है, अगर इसमें हम कंपनी को एनालाइज करें, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझें, उसको देख के पैसा लगाएं अपनी एनालिसिस पे और उसको होल्ड करें, तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर हम लोग लालच दिखाएं कि नहीं नहीं मेरे को तुरंत रिटर्न चाहिए, मेरे को इतना रिटर्न चाहिए, मैं आज लगाऊं कल पैसा मेरा डबल हो जाए, तो लॉस भी होगा। तो ऐसे ही मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे। सो नाउ इट्स 11th मंथ अप्रॉक्सीमेटली एंड आई हैव लर्नड क्वाइट अ बिट अबाउट स्टॉक मार्केट। सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसिस हाउ यू कैन ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। होप यू लाइक द वीडियो एंड दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। थैंक यू।